हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। आज मैं फिर नए 10 शब्द के साथ हूँ, जिसे हम इमेज के माध्यम से और फनी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। फर्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड मीन्स क्या होता है? संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना या सूचना करना। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये डॉग इसके बारे में कुछ सूचना दे रहा है, कुछ संकेत कर रहा है कि कुछ संदिग्ध इसमें है। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? एडवर्ट, रेफर, सजेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। एल्योर मीन्स क्या होता है? रिझाना, आपको अपनी तरफ खींचना, मोहित करना एक अंश से की। तो यहाँ पे इस तरह से देख ले इसको, आलू का पकोड़ा। ये आलू का पकोड़ा किस तरह से आपको अपनी तरफ रिझाता है, अपनी तरफ खींचता है, देखकर मुंह आपको पानी आ गया होगा, है ना? तो इसको किस तरह से याद रखोगे आप? एल्योर, आलू का पकोड़ा आपको एल्योर करता है, आपको अपनी तरफ रिझाता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपील, टेम्पटिंगनेस, मैग्नेटिज्म, चार्म, ग्लैमर, फैसिनेशन। इस तरह से आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन बेसिकली एक लिटरेचर का वर्ड है, जिससे क्या होता है कि हम किसी चीज को इनडायरेक्ट वे में बताते हैं, निर्देश मतलब इशारा करके कुछ और बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के, तो समझ सकते हैं आप कि इस एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं आपको, सैली हैड ए स्माइल, सैली हैड ए स्माइल दैट राइवल दैट ऑफ मोनालिसा। अब ये मोनालिसा, ये जो पेंटिंग है, हर कोई जानता है, एवरीबडी नो। और यहाँ पे कह रहा है कि सैली हैड ए स्माइल, मतलब एक सैली का स्माइल ऐसा चुनौती दे रहा है किसको? मोनालिसा को। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, एक कहीं से कहीं दूसरे का इशारा समझना, इशारा देना, संकेत करना। और यहाँ पे ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख लेंगे। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इंसिनुएशन, कोटेशन, साइटेशन। जैसे आप अगर कभी स्टोरी लिखते हो, चाहे कुछ भी ऐसा लिखते हो, तो वहां पे कहीं बड़े बड़े लोग कुछ लिखा हुआ हम उसको कोट कर लेते हैं, वो भी क्या है? एक एल्यूजन ही है। ठीक है, एलुवियल। एलुवियल मीन्स क्या दोस्त? एलुवियल मीन्स होता है जो आपने देखा होगा पहाड़ों से, झरनों, पहाड़ों के बाद जहां पे रिवर्स जमीन पे आती है, प्लेन एरिया में जहां पे आती है, वहां पे क्या होता है? वहां पे मिट्टी जमा हो जाती है, और उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको इस तरह से आप समझते हैं कि पानी के बहाव से आया हुआ मिट्टी, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं आराम से। और यहां पे इस समझते हैं कि एलुवियल फैन लिखा हुआ है, और ये एलुवियल सॉइल है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? सेडिमेंट्री, सिल्टी, मडी, सैंडी, ग्रेनी। नेक्स्ट वर्ड है अल्म्स। अल्म्स मीन्स क्या होता है? दान देना। आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से ये जो है महिला इसको दान दे रही है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आर्म्स खोलकर आल्म्स करें, मतलब कि आर्म्स खोलकर आल्म्स करें, मतलब बाहें खोलकर खुलकर दान करें, आर्म्स खोलकर आल्म्स करें, मतलब कि खुलकर दान करें। इसका सिंबल्स क्या होगा दोस्त? चैरिटी, कंट्रीब्यूशन, गिफ्ट, ऑफरिंग। इसे आप इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलॉफ्ट। एलॉफ्ट मीन्स क्या होता है? बहुत ही ऊंचा, यू कैन से कि आसमान को छूना, और आसमान कह सकते हो आप। ठीक है, लाइक जिस आप समझ सकते हो ये बुर्ज खलीफा है ये। ठीक है, अब ये इसको बोलेंगे एलॉफ्ट, बहुत ही ऊंचा। अब इसको याद कैसे रखेंगे एलॉफ्ट को? जिसमें आपको लिफ्ट जाना पड़ता है उसको बोलते हैं एलॉफ्ट।
जिसके लिए आपको लिफ्ट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एलॉफ्ट। तो याद रहेगा दोस्तों, एलॉफ्ट मींस क्या होता है, जिसके लिए आपको लिफ्ट से जाना पड़ता है या लिफ्ट यूज करना पड़ता है उसको बोलते हैं एलॉफ्ट। सिम्स क्या इसके, फ्लाइट, एयरबोर्न, हाई अप। नेक्स्ट वर्ड है एलूफ। एलूफ मींस क्या होता है, एलूफ मींस होता है अलग रहना, दूर रहना। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पर्सन है, ही इज एलूफ फ्रॉम दिस गैदरिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। इस ट्रिक बताता हूं आपको, एलोन रहने वाले को एलूफ कहते हैं, एलोन रहने वाले को एलूफ कहते हैं, जैसे कि ये है। सिनोनिम्स क्या है, साय एलोन, ठीक है। शर्माना हालांकि अलग चीज होता है, पर एलूफ मतलब कि अलग रहना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस में क्या होता है, जो कि हमेशा समूह में रहता है, भीड़ के साथ रहता है। तो आप ये लोग जो यहां पे सारे लोग हैं, इनको कह सकते हैं कि ये लोग क्या है, ग्रीगेरियस हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म क्या होता है, एल्ट्रिज्म क्या होता है कि दूसरे का हेल्प करने वाला, क्या करने वाला, दूसरे का हेल्प करने वाला, दूसरों की हित की सोचने वाला, ठीक है। और इसे पर्यावरणवाद भी कहते हैं, जो कि पर्यावरण के बारे में सोचता है। तो आप पहला इमेज जो फर्स्ट में देखते हैं, किस तरह से एक गर्ल जो है, ये लड़की किस तरह से इस ओल्ड लेडी को सहारा देकर ले जा रही है, ये क्या है, एल्ट्रिज्म। भले इसे उसको अपने ऑफिस में जाना लेट हो जाए, अपने स्कूल में जाना लेट हो जाए, अपने ऑफिस में जाना लेट हो जाए, लेकिन ये हेल्प कर रही है, ठीक है। सो जो सिर्फ दूसरों के हित की सोचता हो, अपने हित की नहीं सोचता हो, उसको बोलते हैं एल्ट्रिज्म। लाइक यहां पे दोस्तों जो पौधा लगा रहा है, अब पौधा लगा रहा है जरूरी तो ये फल खाएगा, ठीक है, तो दूसरे की सोच रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये पर्यावरणवाद है, जो दूसरे के लिए पेड़ लगा रहा है। तो दोनों क्या है, ये एल्ट्रिज्म है। इसका सिंस क्या हो जाएगा, ह्यूमिनिटी, सेल्फलेसनेस, फिलेंथ्रोपी। एमलगम, एमलगम क्या होता है, एमलगम होता है फ्रेंड्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स यूज्ड इन टीथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमलगम। आप इस इमेज से देखकर समझते हैं, इसको याद रख लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। एमलगम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल यूज्ड इन टीथ। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इसको ट्रिक बताता हूं आपको, गम में लगाने के लिए एमलगम यूज करते हैं। गम मतलब कि ये जो दांतों के नीचे होता है उसको गम बोलते हैं, ठीक है। गम में लगाने के लिए एमलगम यूज करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, और इसका जो एंटोनिम्स क्या है, प्योर, बिल्कुल शुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है अमेज़न। अमेज़न क्या होता है, अमेज़न क्या होता है, साहसी नारी, वीरांगना, योद्धा, योद्धा स्त्री बेसिकली, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहा जाता है कि एंशियंट ग्रीक में जो कहानी लिखी गई है, वो लिखी गई है फीमेल बैरियर्स के बारे में और वीरांगना के बारे में, ठीक है। और अगर बात करें इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में भी एक अमेज़न पैदा ली थी, नाम था उनका झांसी की रानी। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, ठीक है। तो ये क्या है, अमेज़न। इस सीन में क्या होता है, विरागो, फीमेल वॉरियर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट।